फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे एविक्सिया लाइफ केयर शेयर के बारे में। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस शेयर ने फ्रेंड्स लास्ट फ्यू डेज़ में, और मैंने आपको हमेशा बोला था कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। 1.92 करेंट प्राइस है, 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अभी भी सेबी की तरफ से ASM स्टेज वन में है ये शेयर, ये आपको पता होना चाहिए। 52 वीक हाई है इसका 8.63 एंड लो है 1.52, अभी भी अपने लो के ही नियर है। टर्नओवर है कंपनी का 88 लाख का, मार्केट कैप है 118 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 है। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स की। EPS है 0.01, CEPS है 0.02, PE है 155। पी काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, सो इसी रीज़न से शेयर में हमें एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था। पीबी है 1.48 एंड आरओई है 0.95, तो सारे पॉजिटिव हैं। सेक्टर है एडिबल ऑयल बनाती है कंपनी। इनका जो रिजल्ट है जून में, जो इनका प्रॉफिट आया था वो था 0.23 करोड़, एंड आप जानते हैं मार्च में इनका 0.19 करोड़ का लॉस था। तो दिस क्वार्टर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है, तो हमें एक इसी रीज़न से अच्छा रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 15.12% की प्रोमोटर होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है 84.88%। नेक्स्ट टारगेट आप क्या लेके चल सकते हैं? तो फ्रेंड 1.98 का टारगेट आप अपर साइड लेके चलिए एंड 1.85 का लोअर साइड में। चांसेस किसके ज़्यादा हैं ये भी बता देती हूँ, 1.98 के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें फ्रेंड्स अगर ये 2 रुपीज़ इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे ही 2 रुपीज़ को ब्रेक कर देगा वहाँ से एक अपट्रेंड रैली ज़रूर स्टार्ट होगी। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैंने आपको इसका बता दिया है 2 रुपीज़ का नेक्स्ट टारगेट, बट अभी मैं आपको 1.98 का दूंगी। बिकॉज फ्रेंड्स 2 रुपीज़ के आसपास जाता है बट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा बहुत लास्ट फ्यू मंथ से। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप समझ गए हैं। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है, बट पेनी स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट उतना करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, एंड लोन लेके कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी फ्रेंड्स। एंड पेनी स्टॉक में हमेशा उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए जितने पैसे को आप भूल सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा फिर मिड कैप या लार्ज कैप ही शेयर्स कंसिडर करिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सो थैंक यू सो मच।